वेलकम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 111 से लेकर 120 तक। तो दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 10 सेकंड दिए जाएंगे। 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर बताना है और 10 सेकंड के बाद में मैं आपको आंसर बताऊँगा, ठीक है। तो और लास्ट में आपको बताना है कि फिर कितने आपके सही आंसर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, वाटर विच डज नॉट फॉर्म लेथर विच सोप एंड फॉर्म्स वाइट स्कम इज कॉल्ड हार्ड वाटर। ऑप्शन बी, हार्ड वाटर कंटेन्स डिजॉल्व कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स इन इट। ऑप्शन सी, इन हार्ड वाटर क्लिंजिंग क्वालिटी ऑफ अ सोप इज डिप्रेस्ड। और ऑप्शन डी है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डिप्रेस्ड। तो आपके पास है 10 सेकेंड। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डिप्रेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, 1 ppm इक्वल टू ऑप्शन ए 0.07 डिग्री फारेनहाइट FR, ऑप्शन बी 0.07 डिग्री FR, ऑप्शन सी 0.01 डिग्री FR और ऑप्शन डी 0.01 डिग्री FR। तो दोस्तों, आपके पास ये 10 सेकेंड। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 0.1 डिग्री FR। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, टेम्पररी हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग ऑप्शन ए लाइम, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन और ऑप्शन डी है स्लैक्ड लाइम। तो दोस्तों, आपके पास है 10 सेकेंड। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्लैक्ड लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, सिलेक्ट द यूनिट इज यूज्ड टू मेजर द टर्बिडिटी ऑफ वाटर ऑप्शन ए NTU, ऑप्शन बी माइक्रो एस पर CM स्क्वेयर, ऑप्शन सी PPM, ऑप्शन डी ATU। तो आपके पास है 10 सेकेंड। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ATU। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, द टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स कैन बी रिड्यूस्ड by the following methods option a distillation option b reverse osmosis option c ion exchange option d all of the above। तो दोस्तों, आपके पास ये 10 सेकेंड। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबोव। क्वेश्चन नंबर 116, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे वाटर हैविंग लेस देन 1000 ml पर लीटर ऑफ टोटल डिजॉल्व सॉलिड इज ऑप्शन ए है फ्रेश वाटर, ऑप्शन बी स्लाइटली सलाइन, ऑप्शन सी मॉडरेटली सलाइन और ऑप्शन डी ब्राइन वाटर। तो आपके पास है 10 सेकेंड। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, फ्रेश वाटर। क्वेश्चन नंबर 117,
द फॉलोइंग कॉज अल्कलिनिटी इन नेचुरल वाटर। ऑप्शन ए है पोटेशियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो आपके पास ये 10 सेकेंड। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। द फॉलोइंग कॉज अल्कलिनिटी एज वेल एज हार्डनेस इन नेचुरल वाटर। ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों आपके पास है 10 सेकेंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबो। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 119। टेम्पररी हार्डनेस इज कॉज्ड ड्यू टू। ऑप्शन ए मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन सी मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन डी मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आपके पास है 10 सेकेंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। अकॉर्डिंग टू WHO द सॉफ्ट वाटर हैज 0 to -mg/L एज CaCO3। तो आपके पास है ऑप्शन ए 30 से, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 90 और ऑप्शन डी है 120। तो आपके पास है 10 सेकेंड। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 60। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यहीं पर रुक जाते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर 130 में। तो इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही आए हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।